हाय गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन मोर हॉल, बट ये ऑनलाइन हॉल नहीं है। मेरे घर के पास जो मॉल है लक्ष्मी नगर में V3S मॉल, मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पर एक आउटलेट है मैक्स, आप लोगों ने काफी ने सुना होगा, मैक्स मोस्टली मॉल्स में ही अवेलेबल होता है। तो मैं वहां गई थी और मेरे को वहां की टी शर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं हर साल वहां से बहुत सारी टी शर्ट्स लेकर आती हूँ। लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले भी मैंने काफी सारी शॉपिंग की थी और वो कम्प्लीट जो हॉल था वो मैंने आप लोगों के साथ लॉकडाउन में शेयर किया था। अब उनकी ऑनलाइन ऐप भी है मैक्स फैशन इंडिया करके, अगर आपको वो इंस्टॉल करनी है तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो मैक्स। तो ये दो पैक्स हैं, इनमें काफी सारी टी शर्ट्स हैं। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो। पहले एक पैकेट चूज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी टी शर्ट निकलती है। तो सबसे पहले निकली है ये व्हाइट कलर की टी शर्ट, तो यही देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हो राउंड नेक, मोस्टली सारी की सारी मैंने राउंड नेक ही ली है क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ यार इस टाइप की टी शर्ट्स में ना, और मेरे को मार्केट जाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ये नॉर्मल व्हाइट कलर की टी शर्ट है और ग्रीन कलर की लीव्स बनी हुई है इसमें, इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर की लीव्स बनी हुई है। बड़ी सिंपल और कूल सी है और इसका जो फैब्रिक है वो आप देख ही सकते हो, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही ज्यादा कूल सा इसका फैब्रिक है। और ये मैंने थोड़ी सी ओवर साइज ली है, ये मैंने ली है एम। अब ये एम कौन सा है मैं आपको बताती हूँ, जो बॉयज का सेक्शन होता है ना, तो ये मैंने बॉयज सेक्शन में से परचेज की है एम साइज में, क्योंकि मेरे को लूज ही चाहिए थी यार, तो मैंने सोचा कि मैं इस बारी बॉयज सेक्शन में से भी कुछ ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने बॉयज सेक्शन में से परचेज की है एंड दिस इज फॉर 299 रुपीज। अब मैं आपको बता दूं कि मैक्स पे ना काफी सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं, लाइक अगर आप 299 के 3 लेते हो तो आपको कुछ कॉम्बो में कुछ ऑफ मिल जाएगा 100 रुपीज या फिर 200 रुपीज, या फिर आप 345 वाले 3 लेते हो तो उसके भी कॉम्बो में आपको काफी सारे ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे मैंने काफी सारी ली है, तो इनके ऊपर टैग के ऊपर फिलहाल जो प्रिंट है प्राइस का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है 299 रुपीज की। एंड नेक्स्ट इज येलो कलर की टी शर्ट, ये मैंने क्रॉप में ली है और ये पहनने के बाद इतनी ज्यादा अमेजिंग, इतनी ज्यादा कूल लग रही थी, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। ये भी थी आई थिंक 299 रुपीज की, इसका टैग मैंने अभी रिमूव कर दिया है क्योंकि ये मैंने एक बारी वेयर कर ली है। ये मैंने क्रॉप में ली है एम साइज में, और जितने भी मैक्स के कपड़े होते हैं उन सब पे मैक्स लिखा रहता है, और आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है एंड लाइफ गोज ऑन। यस, सो दिस इज ऑल्सो फॉर 299 रुपीज। नेक्स्ट इज मैंने ली थी ये जाते ही, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, एक्चुअली मेरी मम्मी को पसंद आई, मैं मम्मी के साथ गई थी, जाते ही जो हमारे को क्लिक की ना वो थी ये पर्पल कलर की शर्ट। ये स्लीवलेस शर्ट है और मैंने सोचा भी यार मैं स्लीवलेस नहीं लेती क्योंकि मार्केट जाना होता है तो जो स्लीव्स होती हैं वो टैन हो जाती हैं, बट मम्मी ने बोला ले ले मार्केट में मत पहनियो, कहीं और पहन लियो। सो ये है व्हाइट एंड पर्पल कलर की बहुत ही कूल वाइब देने वाली टी शर्ट स्लीवलेस, एंड दिस इज फॉर 599 रुपीज, और ये मैंने परचेज की है एल साइज में। एंड नेक्स्ट इज दिस ग्रीन कलर की टी शर्ट, सो दिस इज आई थिंक बॉटल ग्रीन कलर और इसके ऊपर भी बने हुए हैं फ्लावर्स, ये मैंने एम साइज में परचेज की है एंड दिस इज फॉर 249 रुपीज। नॉर्मल टी है और ये भी मैंने परचेज की है एम साइज में, मोस्टली एम ही मिलेंगी, स्मॉल में बहुत ही कम लेती हूँ क्योंकि वो आ जाती है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा फिटिंग में आती है और मुझे लूज कपड़े ज़्यादा पसंद है, लाइक जो मैंने ये पहनी हुई है ये तो एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो आ मेरे को ये भी रही है। एंड नेक्स्ट इज दिस कैप्री, मैंने एक कैप्री भी वहाँ से परचेज की थी क्योंकि मेरे पास अभी तो एक ही कैप्री है जो मैंने लास्ट टाइम मैक्स से परचेज की थी, वो भी मैंने मैक्स से ही ली थी, और ये भी मैंने मैक्स से ही परचेज की है और ये मैंने घर में पहनने के लिए की है यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी कूल है, इतनी कूल है, फटाफट से मेरा मन कर रहा है कि मैं फटाफट से घूमने जाऊँ और ट्रैवलिंग में जो वो ट्रैवलिंग का टाइम होता है ना गाड़ी में उसमें मैं इसको पहनूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल सा फील होने वाला है। इसमें दोनों साइड पॉकेट्स हैं सबसे अच्छी बात, क्योंकि मेरे को मोबाइल रखने के लिए पॉकेट चाहिए होती है, और ये है पिंक पीच सा जो कलर होता है ना ये वो वाला कलर है, एंड फैब्रिक इज सो गुड यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा फैब्रिक है और इसका प्राइस है 599 रुपीज। मैं दिखा देती हूँ, तो इसका प्राइस है 599 रुपीज। एंड नेक्स्ट इज दिस कुर्ती, ये एक्चुअली मम्मी के लिए परचेज की है, गोल्डन कलर की, थोड़ी सी सिल्क में जो होती है ना सेमी सिल्क की है वो है, और इसके ऊपर
आप देख सकते हो कि लीव्स बनी हुई हैं डिफरेंट 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 साइजेस में। फ्रंट में बटन दिए गए हैं पूरे नीचे तक, और नीचे ना इसमें स्लिट दी गई है, फ्रंट में स्लिट दी हुई है इन्होंने यहाँ पर इस तरह से। तो पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक जो होती है ना ये कुर्ता, वो वाली लुक दे रहा है। और इसका प्राइस है 899 रुपीज़, 899 का है, बट ये पहनने के बाद इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे भी और मम्मी को भी। और इसी के साथ पेयर अप करने के लिए ये पैंट थी, उन्होंने कॉम्बो बना के रखा हुआ था मिक्स एंड मैच करके। तो ये पैंट भी है गोल्डन कलर की, दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो रहे हैं। पता है वरना फिर ऐसा होता है कि कुर्ती हम पसंद करते हैं, अब इनके साथ लेगिंग ढूंढते रहो, सलवार ढूंढते रहो या फिर प्लाजो ढूंढते रहो, बट उन्होंने ना मैच करके रखे हुए थे। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये भी ले लेते हैं। तो जो इसका पैंट है उसका प्राइस है 799 रुपीज़, और आई थिंक मुझे पैंट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है क्योंकि इसमें इलास्टिक दी गई है और फैब्रिक भी ऐसा नहीं है जो चुभेगा, फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो पहनने के बाद पता चलेगा कि ये कितनी कंफर्टेबल है या कितनी नहीं है। और नीचे ना इसमें इन्होंने थोड़ा सा ये चाक काटा हुआ है ताकि पहनने में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। तो ये दोनों थे मम्मी के। नाउ बारी आती है नेक्स्ट पैकेट की। तो नेक्स्ट पैकेट में सबसे पहले निकल के आई है ये ब्लैक कलर की टी शर्ट, ये भी मैंने बॉयज सेक्शन में से परचेज की है, जो मेन सेक्शन होता है वहाँ पे, वहाँ से परचेज की है। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मेरे को लूज लूज से कपड़े लेने हैं, तो ये मैंने बॉयज सेक्शन में से लिया है, स्लिम फिट यानी कि जो सबसे छोटे वाला साइज होता है ये एस स्मॉल स्लिम, वो वाला साइज मैंने लिया है। इससे छोटा कुछ भी नहीं था, और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ तो लोग कहेंगे तुम ईयरफोन्स लगा लेना। तो आई लव दिस कोट यार, मुझे इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तो ये मैंने हुआ तो मैं पहन लूंगी, वरना जो मेरा नेफ्यू है लव, उसको भी हो सकता है कि ये मैं दे दूं। एंड ब्लैक कलर के क्लोथ्स मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, बट ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। और मैंने आपको बताया कि मेरे को मेरी वार्डरोब में कलर्स चाहिए थे, तो मैंने इस बारी ब्लैक भी परचेज किया है। एंड नेक्स्ट इज दिस नेवी ब्लू ग्लिटरी ब्लिंगी सी जो फैब्रिक होता है, ये पता नहीं क्या फैब्रिक है, बट हाँ ये बड़ा चमचमा सा रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। सो ये नॉर्मल नेवी ब्लू कलर है, और उसके ऊपर ये सिल्वर कलर का कुछ फैब्रिक है, एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है फेथ। तो मैंने आपको बताया कि टेक्सचर्ड आजकल मेरे को पसंद आ रही हैं चीज़ें, तो ये भी मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है, और इसका प्राइस है 299 रुपीज़। आई थिंक मोस्टली जो मैंने परचेज की है वो सारी 299 यानी कि 300 में ही है। सो नेक्स्ट अगेन ये मैंने बॉयज सेक्शन में से परचेज की थी, और बॉयज सेक्शन में से मैंने लिया था स्मॉल, एक्चुअली दिस इज एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, और एक्स्ट्रा स्मॉल बॉयज का ये था जो मेरे को ओवर लार्ज आएगा, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में ये मैंने परचेज किया है। और इस पे लिखा हुआ है दिल्ली, इट इज यस। अब मैं नेक्स्ट मार्केट जाऊंगी तो यही पहन कर जाऊंगी जिसपे लिखा हुआ है दिल्ली, आई लव दिल्ली। दिल्ली छोड़ के जाने का तो कोई मन ही नहीं होता, वापस यही आना है घूम घाम के सब कुछ। तो दिस इज फॉर 299 रुपीज़, और ये मैंने बॉयज सेक्शन मेन सेक्शन में से परचेज की है। एक्चुअली जो गर्ल्स वाला फैब्रिक है और जो बॉयज़ वाला फैब्रिक है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, गर्ल्स वाला और भी ज़्यादा लाइट है कंपैरिजन करें बॉयज़ वाले में तो, बट हाँ दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और कूल से हैं। एंड नेक्स्ट इज दिस अगेन पर्पल, इतना ज़्यादा इन था, पर्पल में ना इतनी सारी वेराइटी थी, लाइक ड्रेसेस थी, जीन्स थी, जीन्स भी थी वहाँ पर, पैंट्स, बॉटम्स, ड्रेसेस, टॉप्स, टी शर्ट, शर्ट, सब कुछ था पर्पल में। शॉर्ट्स मेरे को पसंद भी आए थे बट वो मिक्स कपड़ा था तो मैंने परचेज नहीं किया। सो दिस इज इट, सो दिस इज पर्पल कलर की एक और टी शर्ट। अब मेरे पास आई थिंक 3 से 4 चीज़ें पर्पल कलर की हो गई हैं यार, बहुत ज़्यादा इन है आई थिंक पर्पल कलर ना। और मार्केट में देखो, ऑनलाइन देखो, सबसे पहले यही कलर खुल के आता है, तो पसंद भी आ रहा है आजकल, थोड़ा डिफरेंट सा कलर है। जब मेरे को याद है जब मैं स्कूल में थी तो जो हाउसेज होते हैं ना, जो स्कूल में क्लासेस के हाउसेज होते हैं, उसमें मेरा कलर था पर्पल, और मेरे को हाउस नहीं पता मेरे हाउस का क्या नाम था, बट मेरे हाउस का कलर मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर्पल कलर था। तो ये नॉर्मल सी टी शर्ट है, आप देख ही सकते हो, और ये सामने इस तरह से प्रिंट बने हुए हैं ब्लॉक ब्लॉक में, एंड दिस इज फॉर 249 रुपीज़, और मैंने साइज लिया है इसमें एल, मैंने बड़ा ले लिया है इसमें, बट ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक्चुअली मुझे सारी ही पसंद आई, मैं जो भी कपड़े लेती हूँ उसमें से बहुत ही कम ऐसा होता है कि मेरे को ना पसंद आए हो, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ डांट के सर्च करके तब कपड़े
तब कपड़े परचेज करती हूँ, या तो उनकी फिटिंग ठीक ना हो या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो, तभी ऐसा होता है कि मेरे को पसंद नहीं आए हो। बट हाँ, अगर पिक्चर में दिए गए हैं या फिर मैं सामने से देख कर ले रही हूँ, तो फिर तो हो ही नहीं सकता कि मुझे पसंद ना आए हो। नेक्स्ट इज दिस, अगेन मैंने बॉयज वाले सेक्शन में से परचेज की थी। ओ माई गॉड, मैंने बॉयज वाले सेक्शन में से 3 से 4 टी शर्ट्स परचेज कर ली हैं इस बारी, क्योंकि लड़कियों वाली मोस्टली वैसी थी जैसी मैंने आपको दिखा दी। बॉयज वाले में लिखा हुआ है एक खींच के दूंगा और बना हुआ है कैमरा। एक खींच के दूंगा क्या, यानी कि फोटो, ये कैमरा इसलिए बनाया हुआ है। और यार, यूट्यूबर हो और इस तरह की चीजें ना लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखते ही मुझे पसंद आ गई। अगर ये छोटे साइज में नहीं भी होती ना, तो भी मैं इसको परचेज करती। वैसे ये है स्मॉल, बट ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मुझे तो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, लेकिन मैं इसको पहनने वाली हूँ जल्दी से जल्दी। और ये भी है 249 रुपीज की। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये भी है बॉयज सेक्शन में से। ओ माय गॉड, मैंने कितनी सारी बॉयज सेक्शन में से शॉपिंग कर ली है इस बारी। ये देखो बिल्कुल गोवा वाला प्रिंट, बीच वाला प्रिंट। इसमें ना मल्टी कलर में टाई एंड डाई जो चल रहा है वो वाला कलर भी था, बट उसमें बिल्कुल ही मेरा साइज नहीं था, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज ही था उसमें। एक्स्ट्रा का भी जो डबल एक्सल होता है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, वो वाला था। ये भी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में ही ले लिया है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसको एज अ ड्रेस ही पहनूंगी, बस ये पहन ली नीचे लेगिंग या जेगिंग जो शॉर्ट वाली होती है, या फिर मैंने शॉर्ट्स पहन लिए और बीच में इस तरह से यहाँ पर लगा लूंगी मैं बेल्ट, तो ये मेरी ड्रेस का बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगी। ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में ली है। और ओ, मैंने इसका टैग निकाल दिया, बट आई थिंक ये बॉसिनी की है, मैक्स में मिल रहा था बॉसिनी की, और ये आई थिंक 500 और 550 समथिंग के थी। तो दिस इज द लास्ट पीस। इसके ऊपर गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के वाले वो बने हुए हैं, पेड़ ट्रीज जो होते हैं गोवा में, वो सारे के सारे बने हुए हैं। तो अब बस वेट हो रहा है कब थोड़ी सी चीजें नॉर्मल हो और कब हम घूमने जाएं। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में यही था, यही थोड़े से कपड़े मैंने परचेज किए थे, थोड़े थोड़े करके भी आई थिंक 10 से 12 कपड़े हो गए हैं, जिसमें से 5 से 6 तो मैंने बॉय सेक्शन में से परचेज किए हैं। क्या होता जा रहा है यार मेरी चॉइस को, मतलब मैं ये वाले कपड़े पहन पहन के मुझे लग रहा है मैं बोर हो गई हूँ, तो मुझे बॉयज के कपड़े भी पहनने हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आई थिंक बॉयज के सेक्शन में से भी कुछ ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि बॉयज के सेक्शन में से मैं चीजें परचेज कर रही हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, आई थिंक नाइस आइडिया, मैं ट्राई करूंगी जरूर। तो गाइस, दैट्स इट, आज की वीडियो में बस यही था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। सबसे ज्यादा अच्छी टी शर्ट, टॉप या फिर कुर्ता या फिर जो मैंने केपरी ली है, उनमें सबसे ज्यादा पसंद क्या आया मुझे कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय गाइज़।